सो हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन MSTCET, ये बहुत बच्चों का इस समय डाउट चल रहा है कि सर हमने बहुत मेहनत कर ली, सारी चीजें सही से प्रिपेयर है, लेकिन फिर भी हमारा मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर नहीं बढ़ रहा है, एक स्टेज के बाद ये रुक गया है, स्टैग्नेंट हो गया है। तो इसी के इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एंड साथ साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है मॉक टेस्ट की, और मॉक टेस्ट शायद अभी तक एक भी नहीं दिया है। देखो बच्चों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जितना भी प्रिपरेशन हो गया है उतने प्रिपरेशन पे आप अपने मॉक टेस्ट दो और अपने स्कोर को देखो, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन के अंदर आप लोगों को बहुत से प्रॉब्लम्स एग्जाम्स के टाइम पे होंगे, जैसे कि टाइम पे कवर ना होना या पेपर नहीं समझ में आना, ये सब चीजें इसलिए होती है क्योंकि आप मॉक टेस्ट में अपने टाइम को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड इसी की वजह से पेपर में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए आप जितना भी प्रिपेयर किए हो उस बेसिस पे अपने मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उधर से आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो, तो जरूर ले लेना, ठीक है। चलिए, अब आपके बारे में जो बच्चे बहुत टेंस्ड है कि मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है ना, उनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, प्लस बेनिफिट क्या होते हैं मॉक टेस्ट देने के, ये भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आप जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे पहले आप ऑल द फॉर्मूला जितने भी आपके पास है वो रिवाइज करो। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो हम पहले से ही कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप जब मॉक टेस्ट या फॉर्मूला जब आप दे रहे हो ना, फॉर्मूला आप जब पढ़ रहे हो वो ध्यान से देखो, क्या आपके पास जो भी फॉर्मूला शीट है वो आपके पास कंप्लीट डिटेल के अंदर है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बच्चों इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक रीजन हो सकता है जिससे आपका मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दो और अच्छी तरह से आप क्या करते हो पता है, बहुत बच्चे मैं देखता हूं कि आप 6 से 7 चैप्टर्स के फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हो एंड उसके बाद आप छोड़ देते हो। तो अगर आप सब चीज की सही से पूरी फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हो, सही से डिटेल नोट्स आप नहीं बना पा रहे हो, नई कंसेप्ट समझ पा रहे हो, तब तक आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका स्कोर ऊपर नहीं जाएगा, स्टेग्नेंट रहेगा या कम होगा। सो इस पर ध्यान देना एक बहुत जरूरी पॉइंट है, लेकिन हाँ ये इतना बड़ा रीजन नहीं हो सकता जिससे आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। उसके बारे में अभी बहुत दो इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट पे है इस पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए बच्चों। दूसरा, मॉक टेस्ट स्कोर जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, इसके बाद बहुत बच्चे 90% बच्चे एनालाइज करते ही नहीं है मॉक टेस्ट को, और ये बहुत बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट जब बच्चों, अगर आप लोगों ने 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया है, 3 घंटा पेपर एनालिसिस करने बैठना ही है आपको, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। देखो मॉक टेस्ट जब एनालिसिस करते हो तब क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चों, सपोज करो आप लोगों का मॉक टेस्ट का ये क्वेश्चन आपका गलत है, तो वहां पर आप देखो वो किस चैप्टर से, उसके बाद उसका सोल्यूशन, आप सोल्यूशन देखते समय आप लोगों को दो चीजें समझेगी, एक या तो वो कंसेप्ट आपके लिए पूरा ही नया है, या तो ऐसा है कि वो कंसेप्ट आपको आता है लेकिन आपने एरर ही किया है। एरर मतलब क्या, शायद हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो वहां पर, या ऐसा भी हो सकता है वो क्वेश्चन आपके लिए अननोन हो, जैसे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। सो थ्योरेटिकल है तो फिर से वही बात, वो आपके लिए नया है, उसको आप पहले क्या करो, लर्न करो, समझो, सीखो, सोल्यूशन देखो उसका। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना बच्चों तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना आता था, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन को शायद मैंने उस समय इतने फोकस कॉन्सेंट्रेशन से या इतने ध्यान से नहीं देखा जिससे मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना उस समय आया नहीं। देखो प्रॉब्लम ये है कि आपको सीटी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, अगर वो क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ ले तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के डालने की वजह से आपको क्वेश्चन शायद भी डिफिकल्ट लगा, या वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, या इसलिए आप लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब जब आप ये मॉक टेस्ट एनालिसिस करोगे तब आपको समझेगा यार ये मेरी गलती थी, मुझे इसको गिव अप नहीं करना था, क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना था जिससे मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं आ रही थी लेकिन मेरा सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन सीईटी में ऐसे होंगे जो आपको आते तो होंगे बच्चों, बस आप लोगों को वो पता नहीं होगा यार वो इस तरह से इतनी आसानी से सॉल्व हो सकता था, उसकी ट्रिक्स क्या है, उसकी टिप्स क्या है, कैसे उस क्वेश्चन को फास्ट में सॉल्व कर सकते थे, ये सारी चीजें आपको यहां पे रियलाइज होगी, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये करोगे, अगर ये चीजें आपको आ गई समझ में तो आप उसको अच्छी तरह से एक नोटबुक में लिखो, जिससे आपको क्या समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को अगली बार अगर ये आएगा तो आपको सॉल्व करना आसानी से आने वाला है, ठीक है। तो ये एक मॉक टेस्ट जब एनालिसिस करे तब आपका इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए कि आप डिटेल तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान दे रहे हो कि यार वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ था, एंड दिस विल इंप्रूव योर MSTCET स्कोर अलॉट। देखो फायदे क्या है मॉक टेस्ट देने के, इसी पे यहां से आगे बढ़ता हूं मैं।
जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चलेगा बच्चों की आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। बहुत से बच्चे ये पेपर में जानते ही नहीं है कि यार मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किधर मैं स्ट्रांग हूं, किधर मैं वीक हूं। तो ये अगर आपके पास एक बेनिफिट, अगर ये आप समझ गए तो आपको अपने बारे में पता चलेगा यार मैं इधर स्ट्रांग हूं, इधर वीक हूं, तो आप इसको अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स के टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं एमएससीसीटी के अंदर, वो क्वेश्चन जो है जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया और ये शायद क्वेश्चन एमएससीसीटी में सेम टू सेम आया एग्जाम में या थोड़ा सा कंसेप्ट बदल के, तो अगर आपने क्वेश्चन की पेपर की एनालिसिस की है तब आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे बच्चों, राइट। या शायद तक वो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो आप बहुत सा टाइम भी बचा सकते हो अपना, है ना। थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन फोकस आपका बढ़ेगा, आपको पता चलेगा यार मेरा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में मैं गड़बड़ हो जाता है ना, लेकिन ये मॉक टेस्ट देने के बाद ही समझेंगे आप लोगों को। तो ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन फोकस ये टाइम पे डिपेंड करता है। आप ज्यादातर क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते जाओगे, 3 घंटा बैठने की आपकी आदत जो बनेगी, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑन दैट टाइम वो बढ़ेगा, ठीक है। और आपका स्पीड, स्पीड मतलब क्या कि बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमारा पेपर जो है वो कवर ही नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप मॉक टेस्ट जब सॉल्व कर रहे रहते हो वहां मॉक टेस्ट देने की वजह से आपका जो टाइम है वो मैच ही नहीं कर रहा है। जैसे पेपर का 3 घंटे का टाइम था और आपका टाइम जो है वो टाइम पीरियड में आपने कवर ही नहीं किया फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर। सो बच्चों ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, इसको कवर करने के लिए आपको टाइम के साथ चलना होगा और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए जिससे आपको समझेगा कि यार मुझे किस तरह कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो ये सारे फायदे हैं मॉक टेस्ट को देने के और उसके एनालिसिस करने के भी। आगे थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपका मॉक टेस्ट नहीं बढ़ रहा है ना स्कोर, तो ये दो रीजंस के बाद एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, मुझे लगता है ये दोनों रीजन से ऊपर का, कि डोंट जस्ट सी क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन, बहुत बच्चे यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है वही देख लिया बस, उसके बाद कुछ किया नहीं, या फिर ऐसा है कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, है ना। क्लास की बुक्स, अच्छी बुक्स जो है वहां से सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है बच्चों। यहां आपको हमेशा आदत रखनी है कि आप डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और 20 से 30 क्वेश्चन आपको रेगुलरली, मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो आपको रोज सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये आपकी इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप रेगुलरली, कुछ दिन बचे हैं अभी एमएससीसीटी के लिए, आप रोज कोशिश करो कि यार मेरे 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं क्या, और देखो वो अच्छी तरह से समझो, सीखो उस कंसेप्ट से और ट्राई टू देखो यार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा रहा हूं, ये मेरे को सॉल्व करना आ रहा है या नहीं। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी इस समय आप लोगों के लिए, जिससे आप एमएससीसीटी का अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो इस ये तरह के ये करने से आपके बहुत से मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। मेरा ये एक सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपके मॉक टेस्ट स्कोर नहीं बढ़ रही है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, उतना आपका कॉन्सेप्ट नया समझ में आएगा, न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में उसको उतना आपको जानकारी मिलेगी और ये आप लोगों को अल्टीमेटली एमएससीसीटी का स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझी है एंड आप इसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करोगे, ये भी मैं अभी कंसिडर करता हूं, और अच्छी तरह से आपने अपना, अगर आपने ये सब चीजें अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर ली ना बच्चों, तो मैं गारंटी देता हूं ये एमएससीसीटी में आपका परसेंटाइल बहुत अच्छी तरह आने वाला है, ठीक है। चलो तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के।